तो हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। तो आपके चैनल स्ट्रोम फायर में आपका स्वागत है। आपसे एक निवेदन है कि वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना और ये रेड बटन दबा के सब्सक्राइब कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। धन्यवाद सब्सक्राइब करने का। राजामौली सर, जूनियर एनटीआर सर और रामचरण सर की मल्टी स्टार मूवी RRR के आंकड़े आ चुके हैं, यानी थियेटिकल राइट के आंकड़े आ चुके हैं प्री रिलीज बिजनेस के, यानी मूवीज के रिलीज होने से पहले जो कमाई होती है उसके आंकड़े आ चुके दोस्तों। और मूवी ने अपना बजट भी कवर कर लिया और उससे ज़्यादा कमाई कर ली है। यानी माने तो मूवी के आंध्र प्रदेश के 98 करोड़ का कलेक्शन थिएटरिकल राइट बिके, वही निजाम में 75 करोड़, वही सीडेड में 40 करोड़, जिसे NTR फोर्ड कहते हैं, जिनके NTR के रिकॉर्ड है वहाँ पे बॉक्स ऑफिस पे कमाल के, तमिल के 45 करोड़ में और वहीं का के 55 करोड़, वही हिंदी वर्जन हमारे हिंदी वर्जन के मिले हैं दोस्तों 85 करोड़। 85 करोड़ में इस मूवी के राइट बिके हैं थिएटरिकल राइट। और वहीं मलयालम की बात करें तो 25 करोड़ में राइट बिके हैं मलयालम की इसके, जो काफ़ी बेहतरीन है। ओवरसीज की बात करें दोस्तों तो ओवरसीज पे 66 करोड़, यानी 6666 करोड़ मिले हैं दोस्तों ओवरसीज पे, जो कि आज तक का एक रिकॉर्ड बन चुका है इंडियन सिनेमा के लिए RRR के द्वारा। और रेस्ट ऑफ एरिया या रेस्ट ऑफ वर्ल्ड के लिए 40 करोड़ के राइट हैं दोस्तों, यानी टोटल करें तो हम 529 करोड़ के राइट होते हैं इस मूवी के। यानी मूवी ने 529 करोड़ कमा लिए हैं रिलीज के पहले, मूवी के रिलीज के यानी एक साल पहले, यानी ट्रेलर और फर्स्ट लुक के पहले ही 529 करोड़ मूवी ने कमा लिए हैं, यानी केवल का कर लिया इसने थिएटरिकल राइट से ही दोस्तों। बाहुबली और बाहुबली 2 दोनों को मिला देना तब भी इतना नहीं, बाहुबली 2 मिलाने भी इतना ही होता, जितना RRR ने अपने फर्स्ट लुक के पहले कलेक्शन कर लिया। तो आप रामचरण जूनियर किसी के भी फैन हो तो वीडियो लाइक चैनल सब्सक्राइब कर दें और भी इंफॉर्मेशन RRR की जानने के लिए दोस्तों।